दोस्तों आज हम इस वीडियो में राइट हैंड की कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपका राइट हैंड कुछ एक म्यूजिक बजाने लायक बनेगा धीरे धीरे। तो हम इस राइट हैंड पर फोकस करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी कि हम पिकिंग करते हैं, प्लकिंग करते हैं, तो प्लकिंग आज हम राइट हैंड से करेंगे। रिस्ट मूवमेंट मैंने पिछले वीडियोज में बता दिया है, प्लेलिस्ट चेकआउट करो, आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आपको अभी, क्योंकि आप इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, बिगनर हैं, तो आपको अभी आपके आंखों से देखना पड़ेगा। तो ऐसे बिल्कुल मेरी तरह देखो और मेरी तरह देखते हुए इसे बिल्कुल प्ले करना है। हम करेंगे प्लकिंग, तो ऊपर की स्ट्रिंग को प्ले करेंगे और फिर नीचे तक जाएंगे और सिंपली डाउन स्ट्रोक करेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रोक, हमें हमारी पिक को सीधे नीचे मोड़ना है ऐसे। तो ऐसे करते जाना है हमें और ये बिल्कुल टाइमिंग में करना है हमें। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं करना है, कुछ भी प्ले नहीं करना है। म्यूजिक में टाइमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सीख भी रहे हो तो टाइमिंग में सीखो, काफी मजा आएगा। कोई भी मोबाइल ऐप पे मेट्रोनोम से डाउनलोड करो, मेट्रोनोम पे लगाओ, वो टक 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 1 2 3 4 1 2 3 4, तो उस पर प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप प्ले कीजिए। तो इस पे ये होती है प्लकिंग सिर्फ और सिर्फ डाउन वाली। अब हम राइट हैंड में अप की प्लकिंग करेंगे। कैसे? जैसे कि ये करा डाउन, तो सिंपल इस स्ट्रिंग के नीचे पिक को लेके जाता हूँ मैं, फर्स्ट स्ट्रिंग के नीचे पिक को लेके जाता हूँ और सिंपली इसे अप उठाऊंगा, ऊपर उठाऊंगा इसे। साउंड सेम आएगा, कोई चेंज नहीं, साउंड सेम है। तो आपको क्या करना है, एक ही स्ट्रिंग को पकड़ना है ऊपर वाली और उसे करना है एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, फिर नीचे आइए सेकंड स्ट्रिंग पे, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, 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 ऐसे करते करते आखिरी तक जाइए। फिर वैसे ही सेम वे में ऊपर आइए कि एक बार नीचे, एक बार ऊपर करते हुए इसको आपको ऊपर तक आना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है राइट हैंड चलाना है आपका। अब एक और टाइप की आपको प्लकिंग करके देखनी है। वैसे चीटिंग मत करना, खुद से चीटिंग करके आप किसी से नहीं जीतोगे। ठीक है, कोई और लोग हो तो उनसे चीटिंग करके आप जीत सकते हो, पर खुद से ही सीख रहे हो और खुद से ही चीटिंग करोगे तो खुद से ही हार जाओगे। ठीक है, तो अब जो हमने एक प्लकिंग सिंपल डाउन प्लकिंग करी, अब उसके बाद फिर एक अप प्लकिंग करी और एक में डाउन अप दोनों करी, अब हम स्वीप पिकिंग करने वाले हैं। स्वीप पिकिंग मतलब आपको सिंपल डाउन डाउन करते हुए नीचे जाना है और अप 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 करते हुए ऊपर आना है। तो ठीक है, इसमें मैंने कैसे करा, इस तरीके से आपको चलते जाना है। इसमें डाउन 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 डाउन, अप 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 अप, डाउन 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 डाउन, अप 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 अप, मतलब आपकी आपको फील होना चाहिए कि आपका हाथ ऐसे लहरा रहा है एक वेव में, राइट, इस तरीके से। तो म्यूजिक की यही बात अच्छी है कि उसे हम फील करते हैं, कि म्यूजिक को जितना फील करोगे, जितना पानी की तरह उसमें बहोगे बिल्कुल, तो ही हाथों में लचीलापन रखोगे, तो ही जो है, और जितना रिलैक्स रहोगे तब मजा बहुत आने वाला है। तो ये आपकी राइट हैंड की एक्सरसाइजेस हैं। इस राइट की एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, सीरियसली कंप्लीट करिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट करो वीडियो के नीचे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही नहीं है।